अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। रेडी? नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं दिल्ली प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी के साथ। अशोक सिद्धार्थ जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के सभी बहुजन समाज के लोगों को सादर जय भीम जी। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में आपका चैनल बड़ी तरक्कियों के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बात बताइए, बहन जी ने आपको दिल्ली की जिम्मेवारी दी है, तो दिल्ली की जिम्मेवारी जब बताया जा रहा था कि दिल्ली की 7 सीटों पर लोकसभा कैंडिडेट जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे से मजबूती से आ रहे हैं, लेकिन वोट बैंक जहाँ पर देखा गया तो वो काफ़ी कम आया है, तो इसके पीछे आप क्या बोलेंगे? देखिए, जहाँ तक पिछले पार्लियामेंट के रिजल्ट की बात है जी, तो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की चार चार बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने आदरणीय बहन जी ने चुनाव के रिजल्ट आने के तुरंत बाद कहा भी था कि इन लोगों ने परपजली तरीके से जो उत्तर प्रदेश में हमारी 10 सीटें जीती भी हैं वो भी इन्होंने परपजली, चूँकि जहाँ ये लोग नहीं कर सकते थे, जहाँ हमारा वोट गठबंधन का वोट 60% से ऊपर हो रहा था, अगर वहाँ करते तो गड़बड़, तो पूरे देश में इस तरह से इन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी करके जिस तरह से टेम्परिंग करके किया है उसी तरीके से दिल्ली में भी किया है, तो वो रिजल्ट जो बाकी के प्रदेशों में आया उसी परिप्रेक्ष्य में रिजल्ट यहाँ पर भी आया है जी। जो दिल्ली का समीकरण है वो अब वोट बैंक काफ़ी गिरता चला जा रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर बहुजन समाज का जिसे 85% बोला जाता है वो डाइवर्ट हो गया है, तो इस जो डाइवर्ट हो गए हैं उनको आप वापस लाने के लिए क्या करेंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी, वो बताएँ। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे पूर्व के प्रभारियों ने काम किया कि नहीं किया, कैसे किया, हो सकता है उनकी अप्रोच प्रॉपर ना रही हो सकता है वर्कर्स की अप्रोच प्रॉपर ना रही हो, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने हमको जो दिल्ली के प्रभारी की जिम्मेदारी दी है, हमारा प्रयास होगा कि हम कमेटी को अपने बूथ स्तर तक कमेटी को तैयार करके आने वाले विधानसभा के चुनाव में अगर हमारे बूथ लेवल की कमेटी तैयार होगी तो हम समझते हैं कि कोई ताकत नहीं रोक सकती कि हमारे हर बूथ पे वोट न निकलें। बहुजन समाज के लोगों तक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो चार चार बार सरकार बनाई, उन सरकार में जो नीतियाँ बनाने का काम किया, उन सरकार में जो योजनाएँ बनाने का काम किया, बहन जी ने जो जनहित की योजनाएँ बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश में जो लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किया, वहाँ पर अपराध मुक्त किया, भयमुक्त प्रदेश बनाने का काम किया और विकास युक्त प्रदेश बनाया, वो योजनाएं, वो नीतियां जब हम जन जन तक नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे, बूथ कमेटी तैयार करेंगे, तो हम समझते हैं कि जो हमारा वोट परसेंटेज घटा है वो पूरी तेज़ी के साथ बढ़ेगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम बैलेंस ऑफ पावर होंगे जी। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी कैडरेज पार्टी है, तो कैडरों को तो अभी देश के अंदर से ख़त्म कर दिया गया है, कहीं भी बहुजन समाज के कैडर नहीं हो रहे हैं, तो कैसे कैडर चालू होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उनके पीछे क्या आपकी रणनीति रहेगी, वो भी ज़रूर बताएँ। देखिए, कैडर तो हो रहे हैं जी, कैडर हो रहे हैं, लेकिन जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी निर्देश देती हैं, जिस तरह के निर्देश देती हैं कि कैडर हमको बंद कमरे में करने चाहिए, कैडर में हमें कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता कैडर को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, जिनमें समझने और समझाने की क्षमता हो, उन लोगों को बुला करके कैडर बताना चाहिए, वो ना करके अभी तक जनरली हम पूरे निर्देशों का हमारे लोग पालन नहीं करते रहे हैं, वो कैडर की जगह मीटिंग कर लेते थे, ओपन मैदान, ओपन खुले में मीटिंग करते थे, उसको ही कैडर मान लेते थे, लेकिन आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को समझाया, बुला के बताया कि कैडर किस तरह से करना है। हमारा प्रयास रहेगा, हमारे जो दूसरे प्रभारी हैं एमएल तोमर जी, जो हमारे साथ एमएलसी भी रहे हैं और हमारे साथ अभी थोड़े दिन कर्नाटक में भी काम किए हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष और हम तीनों लोग मिलकर के एक ऐसी टीम बना करके कैडर को, कैडर कैडराइज लोगों को तैयार करें, कैडर न सिर्फ कैडर तैयार करें बल्कि हम ट्रेनर भी तैयार करें, हमारा ये प्रयास होगा कि हम पहली बार दिल्ली में ट्रेनर्स भी तैयार करेंगे जो ट्रेनिंग, जो कैडर देना जानते हों जी। एक बात बताइए, सभी आज जो बहुजन समाज के लोग थे 85% जिन्हें बोला जाता है, वो सब बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। अगर देश के अंदर बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनती हैं तो ऐसा कौन सा परिवर्तन हो सकता था जो अभी तक 70 सालों में नहीं हुआ है? देखिए, अगर आदरणीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री होती
तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, बल्कि दुनिया के जो टॉप 10 पॉपुलेशन वाले राज्य देश हैं उनमें उत्तर प्रदेश उन राज्यों के देशों के बराबर की पॉपुलेशन का देश है। जब उत्तर प्रदेश में चार चार बार दानिया बहन जी ने सरकार बनाई तो चारों बार की सरकार में माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में उन लोगों के लिए जिन लोगों को सदियों से वंचित रखा गया था, जिन्हें सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से वंचित रखा गया था, उन लोगों के लिए नीतियां बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश जो कभी क्राइम प्रदेश माना जाता था, उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे लगाने के लिए पूंजीपति कैपिटलिस्ट लोग उद्योगपति आते नहीं थे, आदरणीय बहन जी की चारों बार की सरकार में आप देखें कि उत्तर प्रदेश से क्राइम जीरो हो गया था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती थी कि जब उत्तर प्रदेश बहन जी ने संभाला था 2007 में, जब पूर्व बहुमत की सरकार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी, उस समय क्राइम के रिकॉर्ड में जो उत्तर प्रदेश था वो काफ़ी ऊपर था, लेकिन जब बहन जी ने संभाला उसके बाद जब बहन जी हटी तब तक वो क्राइम में सबसे नीचे आ गया था उत्तर प्रदेश। दूसरी बात है, आदरणीय बहन जी ने जो पिछली अपनी सरकारों में उत्तर प्रदेश को संभालने का काम किया उसमें जो नीतियाँ बनाई उसमें न सिर्फ SC ST और OBC या माइनॉरिटी के लिए बनाई बल्कि सर्व समाज के लोगों के लिए नीतियां बनाई, चाहे वो बालिका आशीर्वाद योजना हो जिसमें हर गरीब की बेटी को लखपति बनाने की बात हो, चाहे वो सावित्री फुले बालिका शिक्षा मदद योजना हो जिसमें हर गरीब की बेटी को, उसमें गरीब उसको ये नहीं देखा गया कि वो गरीब ब्राह्मण की है या क्षत्रिय की है या वैश्य की है या दलित की है या मुस्लिम की है ईसाई की है, उसमें केवल दलित गरीब की जो मानक था वो गरीब था, किसी परिवार गरीब परिवार में पैदा हुई बेटी को आदरणीय बहन जी ने 25,000 रुपये एक साइकिल दे करके उसे पढ़ाने के लिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लोग नारा देते हैं, बहन जी ने उसको 2007 में ही उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया था। तो जब उत्तर प्रदेश में क्राइम से लेकर के सब कुछ कंट्रोल किया, उत्तर प्रदेश में नीतियाँ बनाई, बेरोजगारों को रोजगार दिया, लाखों की संख्या में सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का काम किया, जो आप कह रहे हैं कि 70 सालों में जो काम नहीं हुआ वो क्या कर सकती थी, वो ये कर सकती थी 70 सालों में जो हमारे मसीहा बाबा साहब का संविधान, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उस संविधान में जो सहूलियतें दी गई हैं उन सब सहूलियतों को आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने केंद्र में सत्ता प्राप्त करने के बाद उनको लागू करने का काम नहीं किया। हम बड़े मोटे तौर पर सिर्फ बता दें कि जो रिजर्वेशन भारतीय संविधान में बाबा साहब ने जिस मंशा के साथ दिया गया था उसको पूरा नहीं किया गया। आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जब जब सरकार बनाई तो बैकलॉग के माध्यम से उस रिजर्वेशन को भरने का काम किया गया। 70 वर्षों में अगर हम उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में भोजन हिताय भोजन सुखाय से आगे बढ़कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर सकती हैं आदरणीय बहन जी, तो देश में भी वो कर सकती हैं जो उत्तर प्रदेश में कर सकती हैं। तो अगर बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनती तो निश्चित रूप से देश की विदेश नीति हो, देश की आर्थिक नीति हो, देश की सामाजिक नीति हो, या देश में जो नौजवानों को बेरोजगारों के युवाओं इनके लिए नौकरियों की बात हो, आदरणीय बहन जी इन सब में अव्वल उतरने का खरा उतरने का काम करती हैं जी। डॉक्टर साहब एक बड़ा अहम सवाल है कि अभी जैसे इलेक्शन हुए लोकसभा चुनाव के, तो उसमें गठबंधन रहा और गठबंधन के अंदर बताया जा रहा था कि BSP के जो लोग हैं उन्होंने सपा को वोट नहीं दिया है, ये बहुत अच्छे स्केल पे मार्केट में फैलाया जा रहा था, तो आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर कि क्या वाकई BSP के लोगों ने जो SP के वोट को वोट नहीं दिया या SP के लोगों ने BSP को नहीं दिया, उसके बारे में थोड़ा क्लेरिफिकेशन करें। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये जो फैला रहे हैं वो ना तो गठबंधन के लोग हैं, ना समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ना बहुजन समाज पार्टी के हैं, ना ही शायद राष्ट्रीय लोक दल के पास हैं। ये लोग वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि किसी तरह से गठबंधन में दरार पैदा हो। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या BSP के लोगों ने वोट नहीं दिया, आप सभी सीटों की उत्तर प्रदेश की 78 सीट की अगर आप रिजल्ट उठा करके देख लें, उस रिजल्ट में देख लें जो समाजवादी पार्टी के लोगों को 2014 में वोट मिला था उससे कितने परसेंट वोट ज़्यादा मिला, और समाजवादी पार्टी के किसी कैंडिडेट से पूछ लें वो बूथ वाइज अपना उन्होंने जो जानकारी ली है उसमें पूरी तरीके से, अरे पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में इस बात ये बात मशहूर है कि अगर कोई अपना वोट 100% ट्रांसफ़र कर सकता है तो आदरणीय बहन जी हैं। तो बहन जी का एक एक वोट ट्रांसफ़र हुआ, और बड़े ईमानदारी के साथ मैं भी ये कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का भी एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को ट्रांसफ़र हुआ है, और गठबंधन को एक दूसरे के वोट मिले हैं, ये सब भ्रामक प्रचार है और उन लोगों के द्वारा भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है जो इस गठबंधन से दुखी हुए हैं जी।
बहन कुमारी मायावती को आयरन लेडी का खिताब मिला है, शेरनी का खिताब मिला है, लोग बहुजन समाज के बहन जी के नाम से ही प्रफुल्लित हो जाते हैं और बहुत अच्छा उनके एक ब्लड के अंदर संचार चालू हो जाता है बहन जी के नाम लेने के बाद। लेकिन क्या लगता है 2019 के अंदर जो बताया जा रहा है कि बहन जी का कद कहीं छोटा हो जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है इस इलेक्शन को थोड़ा सा कम सीटें आने से? नहीं, देखिए आदरणीय बहन जी का कद किसी भी कीमत पर कम इसलिए नहीं होगा कि अगर आप अभी भी देखें तो बहुजन समाज पार्टी अभी भी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है जी। देश की वोट के हिसाब से देश की तीसरी बड़ी पार्टी अभी भी है जी। और जब देश की तीसरी बड़ी पार्टी है तो वोट का कद कैसे कम हो जाएगा जी। कद इसलिए कम नहीं होगा कि बहन जी के मानने वाले, बहन जी के चाहने वाले न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कोने कोने में, और वो आदरणीय बहन जी की दीर्घायु की कामना करते हैं, बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री देखने की ख्वाहिश रखते हैं। और न सिर्फ ख्वाहिश रखते हैं, उसके लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाए, वो अलग बात है। अगर वो मेहनत, क्योंकि डेमोक्रेसी में संख्या का महत्व होता है, नंबर की वैल्यू होती है, नंबर हमारे पास उतना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का नहीं हुआ। जो मेंबर, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में दो दो एक एक दो दो सीटें ला करके, उत्तर प्रदेश में मेजर सीटें ला करके अगर हम बैलेंस ऑफ पावर होते तो देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन जी होती। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने पहले कहा है, 17 के चुनाव के बाद भी बहन जी ने कहा था और अभी 19 के चुनाव के बाद भी कहा, ये देश नहीं पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ पर जो किस तरह से EPM के साथ इन्होंने टेम्परिंग करके ये किया है जी। ये 100% बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, आप लोगों ने देखा हो कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने आदरणीय बहन जी की जो स्पीच, जिस स्पीच से कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं हो रहा था, फिर भी 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर कितने बार बात आई शहीदों को लेकर के या जवानों को लेकर के, उन्होंने चर्चा की, तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन उनके ऊपर हमेशा उन्होंने कह दिया कि नहीं, उन्हें क्लीन चिट देने का काम किया गया। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आज भी ये देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी इस देश में अगर किसी SC समाज के यहाँ अगर कोई भी बड़ा नेता जाके खाना खाता है तो इस देश की मीडिया उसको सुर्खियाँ बनाने का काम करती। तो इसका क्या मतलब है? दुनिया में सारे देश हैं, दुनिया में सब जगह वर्ग मिलते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ जाति और वर्ण मिलते हैं जी। तो जात और वर्ण अभी 70 वर्ष में हम लोग नहीं खत्म कर पाए, जाति उपजात खत्म नहीं कर पाए, तो मानसिकता भी कैसे खत्म होगी? मानसिकता तभी खत्म होगी जब इस देश में अम्बेडकर बात के मानने वाले लोग, आदरणीय बहन जी, अम्बेडकर मूवमेंट को आगे चलाने वाली आदरणीय बहन जी, इन महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने वाली बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, तो इस देश से सर्व समाज के इसमें समतामूलक समाज का स्थापना होगी। बताया जा रहा है कि BJP के आने के बाद की अभी बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज़्यादा खतरा है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, BJP के आने से या कांग्रेस के आने से, कांग्रेस ने 70 सालों में 50 वर्षों से ज़्यादा शासन किया इस देश में। जब कांग्रेस ने BSP को खतरा नहीं पैदा कर पाई है तो BJP कहाँ से कर पाएगी? BSP का वोट अभी भी उतना ही मजबूती के साथ आदरणीय बहन जी के साथ खड़ा है। BSP के लोग या बहुजन समाज के लोग, न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लोग बल्कि संपूर्ण बहुजन समाज के लोग बहन जी को अपना आइडियल मानते हैं, क्योंकि बहन जी न सिर्फ भारत के लिए आयरन लेडी या शेरनी है बल्कि दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाती हैं आदरणीय बहन जी हमारी। डॉक्टर साहब, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि बहुजन समाज के जितने भी नेता होते हैं वो बड़ी स्ट्रीम मीडिया को काफ़ी बोलते हैं कि इस मीडिया हमें नहीं दिखाता है, लेकिन छोटा मीडिया भी आज बहुत पावर में आ गया है, लेकिन आप लोग भी तजुर्ब नहीं देते हैं छोटे मीडिया को, उसका क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है, जहाँ ज़रूरत होती है। देखिए, हम लोग आदरणीय बहन जी के पता नहीं डिसिप्लिन लोग हैं, तो जो कोई भी नीतिगत बात हो, कोई वैसी बात हो या जिस पे हमें नहीं बात करनी चाहिए उस पे हम लोग बात नहीं करते हैं। बाकी जब भी हमें सोशल मीडिया के लोग या जो YouTube चैनल के लोग जो बात करते हैं, तो जो पार्टी की बात होती है उस तरह की हम लोग बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है, करते हैं। लेकिन चक्कर क्या, आप भी जानते हैं कि पूरे देश की मीडिया, खासतौर से 95 या 98% इस देश की जो मेन मीडिया जिसे हम कह सकते हैं वो गोदी मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वो आज भी गोदी मीडिया के रूप में काम कर रही है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए हम लोग मीडिया से बचते हैं। मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे, आदरणीय बहन जी कहते हैं, ये हमारी अच्छी बात नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर हमारे किसी कार्यकर्ता ने कोई बात ऐसी कह दी तो उसको बार बार हाईलाइट करते हैं, इसलिए हम लोग मीडिया से बचते हैं।
आप यहाँ पर आए हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और यहाँ की मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब हम लोग लोगों से पूछते हैं तो उनकी एक शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है कि बहन जी जनता से नहीं मिलती हैं, और ये बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत रहती है। तो इस जो शिकायत है इसको कैसे दूर करेंगे आप, कि दिल्ली के लोगों की शिकायत मैं आपको बता रहा हूँ? देखिए, ये दिल्ली के लोगों की शिकायत मेरे हिसाब से गलत है। आदरणीय बहन जी न सिर्फ दिल्ली के बल्कि देश के लोगों से मिलती हैं। आप देखिए, अभी आप जाएंगे पार्टी कार्यालय में तो आज भी मध्य प्रदेश और वहाँ के सैकड़ों कार्यकर्ता आज बहन जी से मिलेंगे और बात बहन जी उनसे समीक्षा करें। बहन जी जब ज़रूरत समझती हैं तो सब कार्यकर्ताओं से मिलती हैं और क्रॉस चेकिंग कराती हैं। और जहाँ तक रही बात है मिलने की, मैं जहाँ जिन जिन प्रदेशों में या उत्तर प्रदेश के जिन भी जोन में मैंने काम किया आदरणीय बहन जी के निर्देश पे, उन जोन के लोगों से या जिन प्रदेशों में मैंने काम किया उन प्रदेश के लोगों से आप पूछिएगा कि मैंने कार्यकर्ताओं को बहन जी से एक एक सिटिंग में आदरणीय बहन जी 500-500 कार्यकर्ताओं से मिली हैं, चाहे कर्नाटक में हों, चाहे मध्य प्रदेश में हों, चाहे छत्तीसगढ़ में हों, या फिर मैं जहाँ जिन प्रदेशों में काम किया तमिलनाडु में, केरला में, राजस्थान, जहाँ भी मैंने काम किया वहाँ के कार्यकर्ताओं को मैंने थोक में मिलवाने का काम किया। आदरणीय बहन जी मिलती हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग ही बात फैलाते हैं जो लोग पार्टी के अगेंस्ट में काम भी करते हैं, पार्टी के विरोध में भी काम करते हैं, और उसके बाद वो चौधरी बनने के लिए बहन जी से मिलने की बात करते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं उनकी रिपोर्ट आदरणीय बहन जी के पास, बहन जी के पास अपने कार्यकर्ता का, अपने पदाधिकारी की जानने का एक स्रोत नहीं है केवल कार्यकर्ता, बहन जी के पास और सोर्सेज रहते हैं, उनसे पता कर लेती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।